जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रभु का प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मांगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मेरा पुकार 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 मेहर कर देखो जरा। मुझे दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी तरस को तरस रहा। बरसाओ घटा अपार प्रेम रंग दीजे बहा। अमीर रसदार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाओ सदा। मैं नीच अधम नाकार मरे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो प्यार घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया, स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा। पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। जय अंदर हुई और आज 18 सितंबर 2018 को दुनिया के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसा अवसर जीवन में मिलता है। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है। राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा लोग सुनते कहते रहते हैं, लेकिन सत्संग इस समय पर कलयुग में कम मिल पाता है। जब सत्संग मिलता था पहले के समय में तो आज की तरह से लोग दुखी नहीं थे। घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में रोग, घर घर में वैमनस्यता उस समय पर नहीं थी, क्योंकि लोगों को यह मालूम हो जाता था कि गृहस्थ आश्रम में किस तरह से रहा जाता है, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करता है, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करता है, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये सब सत्संग से मालूम होता है। इस समय पर दुखी लोगों के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से कि जैसे एक छोटे से बच्चे को दूध पीने के लिए माँ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से इस समय पर सत्संग की जरूरत है। सत्संग जब से लोगों ने छोड़ा तब से आत्मा परमात्मा को समझ नहीं पाए, धर्म कर्म को समझ नहीं पा रहे। कर्म लोगों के खराब हो गए तो धर्म का ह्रास हो गया, धर्म का ह्रास होता कर्म खराब होते हैं। तो धर्म और कर्म जानने समझने की जरूरत होती है। जब मालिक को लोग भूल जाते हैं, अपने को ही सब कुछ समझने लगते हैं, अपने ही करने से सब कुछ कहते हैं होने का है, उस मालिक को भूल जाते हैं जो पैदा होने से पहले माँ के स्तन में दूध बढ़ता है, परवरिश करता है, देता है, खिलाता है। उसको जब भूल करके और आदमी अपने इस शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लग जाता है तो समय लोग दुखी हो जाता है। तो शरीर तो ये कुछ समय के लिए उस मालिक परमात्मा ने दिया, लेकिन खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं दिया। इसको दुर्लभ शरीर बताया गया, देव दुर्लभ बताया गया, क्योंकि देवता इस शरीर के लिए 24 घंटे मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं। थोड़े समय के लिए भी हमको अगर मनुष्य शरीर में जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है, इस वक्त पर इंसान जो कुछ भी करने में लगा हुआ पराया काम। अगर मकान बनाते, रुपया पैसा इकट्ठा करते, जमीन जायदाद खरीदते, लेकिन किसके लिए? दूसरों के लिए। आंख बंद होने के बाद समझ लो कि किसी की कोई ज़मीन जायदाद, कोई मकान, गाड़ी, घोड़ा रह जाता है। तो सांसों की पूंजी ये जो गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, जैसे ही ये खर्च हो जाएगी तैसे ये सारी चीज़ें दूसरे की हो जाएंगी। अपना काम क्या है? काम अपने करो भाई, पराये देश में फंसना ये पराया देश है। पराया देश किसको कहते हैं? जहाँ पर अपना हक न हो, जहाँ पर अन्य समय लो अपना अधिकार न हो। और पराया देश उसको कहते हैं जिसको एक दिन छोड़ना होता है। तो इस देश को, इस मृत लोक को एक दिन सभी लोगों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इस धरती का विधान ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। यही कारण है कि एक शेख राजा हुए, महाराजा हुए, शेख साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, जोशी विद्वान हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, CM PM DM तरह तरह के पोस्ट वाले हुए, लेकिन कोई भी यहाँ बराबर रह नहीं पाए, सबको खाली करना पड़ा। राम जैसे भगवान कृष्ण जैसे भगवान, कबीर गोस्वामी, पलटू नानक, दादू मेरा जैसे आए, लेकिन उनको भी मनुष्य शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। तो यह है मृत्यु लोक, यह अपना लोक नहीं, अपना घर नहीं। अपना घर तो छोड़े हुए बहुत दिन हो गया, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युग बीत गए, न मालूम कितनी बार नरकों में गोते खाए, माँ के पेट में उल्टे लटकाए गए। मनुष्य शरीर भी मिला लेकिन सदगुरु नहीं मिले। भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। सदगुरु जब नहीं मिले, रास्ता नहीं मिला, तो लौट लौट चौरासी आया। लौट लौट करके इसी मृत्युलोक में पशु और पक्षियों की तरह से आए और खाए, बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले गए। देखो यह मनुष्य शरीर हमको आपको उस मालिक परमात्मा ने दिया। कब दिया? जब दिन रात रट लगाए रहे, मांगा कि हमको आप बाहर निकालो। बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु के तलाश करके रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे। आप उसको आपको समझो कि जब 5 महीना 10 दिन का जमा के पेट में हो जाता है तो ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर डाल दी जाती है। जीवात्मा किसको कहते हैं? जो पहली बार आप लोग आए हो, समझने की कोशिश करो। आप यहाँ पर बैठे हो, आपके शरीर में छुरा भोंक दिया जाए तो रोक पड़ोगे, चिल्ला पड़ोगे। लेकिन जीवात्मा निकल गई तो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, पता नहीं चलेगा। तो यह है ईश्वर अंश की अविनाशी परमात्मा के अंश ये जीवात्मा बहुत ही छोटी, इन बाहरी आँखों से आप इसको देख नहीं सकते। दुनिया की कोई भी मशीन, कोई भी माइक्रोस्कोप ऐसा नहीं बना कि जिससे जीवात्मा को देखा जा सके। यही जीवात्मा ऊँट में भी, बकरी में भी, हाथी में भी, घोड़ा में भी, चींटी में भी, चींटी से भी छोटे अन्य कीड़े उनमें भी यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है। तो अब आप इस बात को समझो, उस समय पर जब जीवात्मा माँ के पेट में डाली गई तो मालिक का दर्शन होता रहता था, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती रहती थी। लेकिन पिछले जन्म में कहाँ थे? कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गुर्जर थे, बिच्छू थे। कहाँ मारे गए, काटे गए, किस तरह सताए गए, यानी यह भी दिखाई पड़ता था। उसको देख करके फिर दिन रात प्रार्थना उस मालिक से करते थे कि प्रभु दया करो, क्योंकि माँ के पेट में इस बात की जानकारी रहती है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता गया है कि जिससे हम अपने वतन, अपने घर मालिक के पास पहुँच सकें। माँ के पेट में यह भी जानकारी रहती है कि जब समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, वो रास्ता बताएंगे, तभी हमारा कल्याण, हमारा उद्धार हो सकता है। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि अब प्रभु कृपा जी क्या कहता है? अब प्रभु कृपा करो ये बात नहीं, और सब अच्छा जी भजन करो ये बात। लेकिन बाहर आकर भरमिया और बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के वादा भूल गए, और वादा भूल गए तो शरीर से पाप करने लग गए। जो ये मानव मंदिर मिला था, आने समझ लो कि भजन के लिए, इबादत के लिए, इसको गंदा किया, इससे बुरा कर्म किया, पैर से बुरे काम के लिए गए, हाथ से बुरा किया, आँख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, बुराइयों में ही यानी समय निकल जा रहा है। किसी को होश आता है कि हमने वादा किया था? कभी कभी होश आता है। जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए, गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है, जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है तब तक लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जा गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छोड़ गया, नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन, पुत्र परिवार, मान प्रतिष्ठा, वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई, अंशा अकेले उड़ गया। बगल में ही बैठा हुआ आदमी कहता है, भाई यही हाल एक दिन सबका होगा, यहाँ तो एक दिन आना ही पड़ेगा, यहाँ आने से कोई बच नहीं सकता है। यह मरघट है, मरघट यह सबको एक दिन बुलाएगा। दूसरा आदमी कहता है, भाई इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ वहाँ के लिए भी करो, सब कुछ यहीं के लिए करने में लगे हुए हो। अब नौजवान सब सुनता रहता है, बैठा रहता, सुनता रहता है, कहता है बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बनाना ही है, गृहस्थी मेरी सेट हो जाए फिर तो मैं इसी काम में लग जाऊँगा। तो आप सोचो कि आज तक गृहस्थी किसी की सेट हुई, किसी की नहीं हुई, और जितना ये सुलझाता है उतनी ही उलझती चली जाती है। आज तक अन्य समझ लो सुलझाने वाले बहुत लोग आए, लेकिन उसी में उलझ गए, फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं? जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, भरपेट शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। ऐसे ही ग्रह इस वक्त पर यानी फंस रहा है, क्योंकि मालूम नहीं किस तरह खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से विचार भावना रखनी चाहिए, किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, इसकी जानकारी लोगों को हो नहीं पाती। रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं मिलती है, कहाँ चला जा रहा, कहाँ खर्च हो गया, यानी इसकी यानी जानकारी ध्यान भान ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये जिंदगी धीरे से ऐसे ही देखते देखते इसी उलझन में इस तरह खत्म होती है कि जैसे पानी गहरा बुदबुदा अस मानुष की जाए और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे पर धार। रात को देखो आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं, सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं, पानी बरसता है, बुलबुलें निकलते हैं, बूंदें गिरती हैं, पानी में बूंदें जब गिरती हैं तो बुलबुलें निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे मानो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म, सारा अंग्रेजी, सारा हिंदी, सारा उर्दू, सारा फारसी का ज्ञान आखिरी वक्त पर ख़त्म हो जाता है। आखिरी वक्त पर किसी की कोई जोर ज़बरदस्ती चलती है? कुछ नहीं। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते और चिल्लाता रहता है, कोई मदद नहीं कर सकता है। डॉक्टर हकीम वैद्य भी फेल हो जाते, कहते आप कौन सा इंजेक्शन दर्द का दें, नींद का आप कौन सा दें, एक एक की जगह दो दो तीन तीन दे दिया तो भी नींद नहीं आ रही है। तो आखिरी वक्त तो बड़ी तकलीफ होती है। जो लोग अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा के लिए कुछ नहीं करते, उनके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा अंत दुखदाई यह नकार फल विषय न भाई और स्वर्ग अंत दुखदाई। आखिरी वक्त में बड़ी तकलीफ होती है। देखो मरने वाला आदमी छटपट करता है, छटपट यानी जब तकलीफ उठती है, प्राण यानी निकलने का टाइम आता है तो ये प्राण निकलना नहीं चाहता, यानी समझ लो कि बहुत दिनों तक जीवात्मा इसमें रहती है, इसको छोड़ना नहीं चाहती है। तो समय जब पूरा हो जाता है तो उनको तो निकालना है। और रोड़ी मुकदर लेकर मसाल लेकर के जब आते हैं, झुलसाते हैं और उसको मारते हैं, जब आने समझ लो कि तब आने जो छटपट करता है, आने समझ लो टट्टी और पेशाब तक हो जाता है। अब आप जो समझो यह शरीर धड़ाम से गिर जाता है, जैसे ये जीवात्मा निकलती है। जब धड़ाम से गिरा तो 2 घंटा भी लोग घर में नहीं रहने देते, कहते जल्दी करो, ले जाओ, जलाओ और नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि तुम्हारा मिट्टी है, कहेगा नालायक कहीं से मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, और कोई मिट्टी बता रहा है, दिखाई नहीं पड़ता, मोतिया बंद हो गया आँख में। लेकिन मरने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का, शेर साहूकार का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी कहते हैं और ले जा करके इस मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में मिला देते हैं। वही लड़का जो इतना प्यार करता था, नहलाता धुलाता था, सेवा करता था, उलट पलट करके जलाता है और राख और हड्डी को भी नहीं छोड़ता। तीसरे दिन जाता है फिर सब हड्डी पर से जो रहती है वह करके और दूर नदियों में ले जा करके डालता है। 10 दिन 12 दिन आए तक मेहमान रहते हैं और खा पी करके वो भी चले जाते हैं, नामो निशान खाता हूँ। अब आप ये सोचो कोई चीज़ अन्य साथ में गई, धन दौलत रुपया पैसा पुत्र परिवार सब कुछ होते हुए कोई चीज़ साथ में गया तो अन्य समय लोग के शरीर तो छूट जाता, लेकिन जीवात्मा को पिशाच के शरीर में जो मनुष्य शरीर जैसा ही होता है इसको अन्य समय लोग उसमें बंद करके 86,000 जो जम ऊपर में जम पड़ी है, 1,000 जोजन की, यहाँ तो आपके मील और फरलांग चलता है और आपके अन्य समय लोग के मीटर और इंच चलता है, फुट चलता है, लेकिन वहाँ जो नाप होती है वो जोजन और बालंग में होती है। वो 1,000 जोजन अन्य समय लोग के सोने की दीवार अन्य अमराज पूरी की, इसमें 3 दरवाजे, एक पूरब की तरफ, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। पूरा तरफ जो दरवाजा रंग बिरंगी पटाखाएँ फहरती रहती, अप्सराओं गंधर्वों के नृत्य हुआ करते, देव आत्माएं उधर से अंदर जाती हैं। दूसरा दरवाजा उत्तर की तरफ, उधर अन्य आप समझ लो कि ऋषि मुनियों का जमावड़ा रहता है, अनाथ बेदवाणी धुंधली ऐसा बढ़ती रहती है, आवाज उड़ा रहता है, ऋषि मुनियों का पदार्पण उधर। और जो दक्षिण दरवाजा उससे और यमराज के सिंहासन तक का रास्ता कैसा, कटे हुए पत्थर बिछे हुए, बाले लगे हुए, गर्म गर्म राख बरसती रहती, अंगारे बिछे हुए, खंडक अन्य खाई गड्ढे अन्य समझ लो कि बहुत गहरे और जंगली जानवर तमाम वहाँ पर इस तरह घूमते रहते हैं कि देखते ही अनुरूप काँप जाती है, डर जाता है, जो कांपने लगता है। जिन जानवरों को इस समय पर लोग मार करके खा जाते वो भी बदला लेने के लिए मौजूद रहते, दांत से मार देते, पंजा से नोच लेते, खून से लथपथ। इस जीवात्मा को ले जा करके यमराज के सामने यमराज के रूप पेश करते हैं। उनके पेशकार उनके लिए जिनको चित्रगुप्त कहा गया, उनके पास जीवन का सारा लेखा जोखा होता है, बड़े बड़े बही खाते हैं सुनहरे पन्ने पे और उसमें सब लिखावट रहती है, तो देखे पढ़ते और फौरन अन्य समझ लो कि बताए नहीं कि यमराज तुरंत सजा बोल देता है, ले जाओ इनको सजा दो, सजा देना शुरू कर देते, इस तरह से सजा देते। सजा देने का तो उनके बहुत तरीका है, 1-2 तरीका बता देता हूँ। आंखें फोड़ करके और मार मारते हैं और भगता है, वैसा हाथ पर टूटता है, आँख में रोता है, चिल्लाता है, ऐसे दबा देते हैं सीने पर चढ़ करके, आँखें निकल आती हैं, जीभ बाहर निकल आती है और फिर हट जाते हैं। फिर अंदर आँख चली गई, जीव अंदर चला गया, फिर दबाते हैं, फिर रोता है, चिल्लाता है, दर्द करता है, दबाव पड़ता, आँखें बाहर निकल आएँ, जीव बाहर निकल आती है, हाथ पकड़ करके और उसे फेंक दिया, हाथ उखड़ गया। अब उखड़ने का दर्द होता रहता, चिल्लाता रहता है और फिर हाथ जोड़ ऐसे फेंक देते, फिर जुड़ जाता है, तो काटते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर काटते फिर जोड़ते हैं। एक बार आपका हाथ काट दिया जाए, उंगलियाँ अलग हो गई, इनको काटोगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन काटने के बाद फिर जोड़ दिया जाए और फिर काटा जाए तो उतना ही दर्द फिर होता है। काटते हैं फिर जोड़ते, फिर काटते फिर जोड़ते, सजा भोगने के लिए वहाँ भेजा जाता है। मल का नर्क अलग, मूत्र का अलग, मवाद का अलग, खून का अलग, मुर्दों का अलग, कांटों का, बहुत से नर्क हैं। उन नर्कों में डाल देते हैं, उसी में पड़े रहो, चिल्लाते रहो, सौ कोस तक आवाज जाती, लेकिन कोई सुनवाई होने वाला। जब सजा पूरी हो जाती है तो वहाँ से निकाल करके कीड़े के शरीर में, बकरों के शरीर में, मुर्गा भैंसा बकरा के शरीर में, अन्य घोड़ा गधा, अन्य शरीरों में अन्य समय लोग डाल दिए जाते हैं। रोज मरो और रोज पैदा हो। बरसात के महीने में आपने देखा होगा ऐसे कीड़े पैदा होते हैं और बस थोड़ी देर जिंदा रहते हैं, बस नीचे एकदम से पंख से फैला हुआ दिखता है, खत्म हो जाता। 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, 84 लाख योनियाँ। और फिर गाय और बैल की योनि के बाद 9 महीने तो माँ के पेट में लटकना ही लटकना है। 9 महीने से पहले अन्य समय लोग कि कोई बच्चा अन्य पैदा नहीं हो सकता है। 9 महीने में ही पकता है वो। 6 तरह की शक्तियाँ काम करती हैं, जन्म मस्त परिणामी वृद्धोशील, और ये 5 तत्व अन्य शरीर को बनाते हैं माँ के पेट में, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व बनाते हैं, तैयार करते हैं। अब आगे समझो कि 9 महीना किस हालत में रहता है। जो उल्टा जीव रहा लटकाना, गाडूर पक्षी के समाना, जैसे गाडूर पक्षी को ऊपर उल्टा टंगा रहता है, ऐसे लटका हुआ रहता है। उस वक्त पर अन्य माँ के पेट में जो गंदगी होती है, मलमूत्र होता है, वो सब मुँह के सामने। अन्य बड़ी ही खराब दशा रहती है। तभी तो कहता है कि अब नर्क से बाहर निकालो। माँ के पेट रूपी नर्क में अब कभी भी नहीं आऊँगा, दया करो। अब न धारा बप्पा का यही मगोर इधर अब कभी भी नहीं आऊँगा, दया करो। तो 9 महीना जब पूरा होता है, समय पूरा हो जाता है, मृत्यु शक्ति जब बढ़ती है तो वो बाहर निकाल देती है। तो पैदा हुए तो रोते हुए। आज तक कोई बच्चा हंसता हुआ पैदा हुआ? कोई नहीं, सब रोते हुए। कहते ना कि रोते हुए पैदा हुए हो और रोते रोते ही चले जाओगे। कहते हैं कि नंगे पैदा हुए हो, हम नंगे करके भेजे जाओ। कहते ना कुछ लेकर आए हो, ना कुछ लेकर के जाओ। तो लेकर तो आए हो। अब कहोगे नंगे पैदा हुए तो कहाँ रख कर लाए, कैसे लाए, क्या लाए? मुट्ठी बांध करके आए। जो भी बच्चा पैदा होता है मुट्ठी बांध कर पैदा होता है और मुट्ठी में ही सबको लेकर आता है। तो सब कुछ क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ का चर्चा के कहा गया। यानी 4 चीज़ों को अगर समझ जाया जाए तो अन्य समझ लो कोई तकलीफ होगी वाली नहीं, ना यहाँ तकलीफ होगी। जब तक समय रहेगा आराम से रहेंगे, और जब समय पूरा हो जाएगा तो अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुँच जाएंगे। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब धन कमाना नहीं, कि हाथ से मार कर, काट करके, लूट करके, दिल लुका करके, गला जजमेंट दे करके ले आओ पैसा। अर्थ का मतलब शरीर के पाने का अर्थ समझो। यह तन कर फल विषय नहीं भाई, विषय वासनाओं के लिए ये शरीर नहीं मिला है, यह इबादत भजन पूजन के लिए मिला है। और धर्म क्या है कि भाई जीव की रक्षा करना बड़ा धर्म बताया गया। तो जीवों की तो रक्षा करना ही करना है, अपनी आत्मा की भी रक्षा करो। अन्य नरकों में न जाने पाओ, 84 में चक्कर न काटने पाओ। अर्थ, धर्म और काम, अशिला काम क्या है? ये अशिला काम मनुष्य शरीर पाने का यही है। और मोक्ष का मतलब ये होता है कि फिर वापस ना आना। आपने बहुत अच्छा कर्म किया, वो कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। और बुरा क्या? नर्क जाओगे। और स्वर्ग भी अगर पहुँच गए तो स्वर्ग के आगे भी लोग हैं ऊपर। आयु समय लोग, ब्रह्म लोग, पार ब्रह्म लोग, काल लोग, महाकाल, बहुत से लोग वहाँ नहीं जा सकते हो, क्योंकि 17 तत्वों के लिए शरीर में स्वर्ग और वैकुंठ की आत्माएं होती हैं, और उसमें वो रास्ता नहीं है कि जिससे और आगे आप जा सको। तब क्या होता है? पूर्ण छेड़े मृत्यु लोक। जब छेड़ हो जाता है तो मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। आना जरूर है कि राजा महाराजा सेठ साहूकार बड़े आदमी पैसे वाले लोगों जहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, साधन सुविधा हो, वहाँ जन्म ले लेते हैं। तो इसीलिए जो है वहाँ भजन पूजन हो नहीं पाता है। वहाँ तो बस आए समझ लो कि माहौल ही दूसरा रहता है, जैसे आपका ही अमेरिका है। यहाँ तो इस कदर देखो सब लगे रहते हैं, सब पैसे चक्कर कमाते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं कि जैसे कहीं आग लगी हो। लोग बुझाने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, देखो सब दौड़ते रहते हैं 24 घंटा। जब देखो जिधर तो ये क्या है। और ये आप समझ लो कि ये एक तरह से जो है वो फसाव है। कहने का मतलब यह है कि अन्य रोते हुए अन्य जिंदगी खत्म हो जाए। कैसे? पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, लड़कों से खेल खेल में झगड़ा हुआ तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, पढ़ाई कर लिया नौकरी नहीं हुई तब रोए, शादी हो गई शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे। हम तो दौरा करते रहते हैं देश विदेश में, तो हमको ऐसे भी मिल जाते हैं कहते शादी करवा दीजिए, महीना दो महीना में ऐसे मिल जाते हैं शादी नहीं हो रही है। तरह तरह से कहते हैं, तो रोटी का सहारा बन जाता है। कोई कहता है माँ की सेवा करने वाला कोई नहीं, तरीके से कहते हैं। और 2-4 महीने में ऐसे भी मिल जाते हैं, हम कहते हैं छुड़वा दीजिए, जान की आफत हो गई, तलाक हो जाए तो जान छूट जाए, ऐसे भी मिल जाते हैं। जिनके लड़के नहीं हैं, करो लड़का पैदा हो जाएगा, सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि जीव हत्या भी कर डालता है, यानी मूर्ति के सामने, देवता के सामने मुर्गा पैसा बकरा काट करके चढ़ा देता है, किसके लिए? औलाद के लिए, लड़के के लिए। और जिनके 4 लड़के हैं, कहो कि आप बेभाग्यशाली हो, आपके 4 लड़के 4 बहुएं हैं, आप बहुत खुशहाल हो। तो पैसा मर जाते तो ठीक था, जान के लाले पड़ गए, बड़ा मुश्किल हो रहा है जी पाना। तो अब आप ये समझो कि जिसके नहीं है वो भी रो रहा है, और जिसके वो भी रो रहा है। जिसके पास धन नहीं है, करीब 71 रुपया पैसा हो जाता, बड़ा आदमी बन जाता, रही से देख लेता क्या चीज होती है। और जिनके पास ज़्यादा है उनको नींद नहीं आती है। इंडिया में अभी कुछ पहले नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी जब हुई तो एक सेठ को नींद ना आए, रात भर टहले, कमरे में उठे और बैठे और पहले। घर वालों ने कहा साहब अब ले चलना पड़ेगा डॉक्टर के यहाँ। लड़का डॉक्टर के यहाँ लेकर के गया, तो डॉक्टर ने कहा क्या हो गया सेठ जी को? बोले नींद नहीं आ रही है। अरे तो नींद की गोली दे दिए होते, नींद की गोली। अरे 3-3 गोली दे दिया, आप 3-3 गोली दे दिया डॉक्टर साहब, और नींद नहीं आई। डॉक्टर भी सोचने लगा अब कौन सी दवाई दी जाए। तब तक लड़का बोल पड़ा कि साहब 4थी गोली दे दें। तो डॉक्टर बोला 4थी गोली दे दोगे? सो तो जाएंगे लेकिन उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह जाएंगे। यही 3 गोली ओवरडोज हो गया, बहुत ज़्यादा खुराक हो गया। तो जिसके पास ज़्यादा है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी। न राजा को शांति न रही तो शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही। घर घर में रोग, अब रोग का कारण क्या है? घर घर में लड़ाई झगड़ा, उसका क्या कारण है? रुपया पैसा में बरकत ना होना, इसका क्या कारण है? आपको बतलाता हूँ, मोटी मोटी बात बताऊँगा, क्योंकि हमको आपको लोक बनाना भी बताना है कि लोक कैसे बनेगा और परलोक कैसे बनेगा, दोनों बातें बतानी है। तो आप ये समझो ये मनुष्य शरीर जो उस मालिक परमात्मा ने आपको दिया, इसके अंदर जो खून है वो शाकाहारी खून है, यानी शाकाहार चीज़ों का खाने का है। अब जब मांस खाते हो तो मांस से जो खून बनता है यह खून बेमेल हो जाता है। बेमेल तो उसको कहते हैं, मैच नहीं करता खून। कैसे? बुढ़ा बीमार हुआ तो लड़के ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए, खून की कमी हो गई पिताजी को, डॉक्टर साहब आप कहते हो तो मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर चेक करता, कहता तुम्हारा खून नहीं चढ़ पाएगा। भाई बीमार हो गया, भाई कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर कहता तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ पाएगा। टेस्ट करने के बाद कहता ग्रुप नहीं मिल रहा है। अब आप सोचो, एक ही यानी माँ के पेट में दोनों एक ही रजबीर से बने, एक ही माँ ने दूध पिलाया, पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन खून का ग्रुप नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि खून बेमेल हो गया, क्योंकि जो चीज़ खाते हैं उसी का खून बनता है। तो जब मांस खाया उसका खून बना, तो यानी समझ लो कि शरीर से मेल नहीं खाता। आजकल बीमारियाँ ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं? यही कारण है। दवा भी खाता जाता है लेकिन तकलीफ नहीं जाती है, खून बेमेल होने के कारण। बुढ़े लोगों की क्यों खराब हो रही है? मार काट, इतना लड़ाई झगड़ा, क्रोध घर घर में क्यों बढ़ रहा है? इसी वजह से बढ़ रहा है। अभी कोई आप देर में हजम होने वाली चीज़, जिसको गरिष्ठ चीज़ कहते हो, खा लो तो कहते हो दिमाग काम नहीं कर रहा है। यानी समझ लो कि हम अब आराम करना चाहते हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। और जब जाते हो डॉक्टर के पास तो चेक करता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो, खून का दौरा तेज हो गया। तो भाई खून का दौरा तेज क्यों हुआ? क्योंकि वो गरिष्ठ चीज़ जो जल्दी हजम होने वाली नहीं है उसको खा लिया। एक आप किसी बर्तन में आप पानी ले लो, उसमें रोटी डालो, थोड़ी देर के बाद रोटी घुलने लगेगी और मांस का टुकड़ा डाल दो, जल्दी नहीं घुलेगा। तो मांस खाने से बुद्धि भी खराब होती है, खून भी खराब होता है। रावण का नाम सुना होगा? उत्तम कुल पुलस्त्य का नाती, और शिवरंथ को लोग होगा तो उत्तम कुल पुलस्त्य का नाती था, सोने की लंका थी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था। लेकिन जब मांस खाता था, शराब पीता था, बुद्धि खराब होती थी, दूसरे की माँ बहन को बड़ा नजर देखता था, तो उसकी आयु समझ लो कि सारी विद्या बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाती, खत्म हो जाती थी। और इसी 3 बुराई ने आयु समझ लो सोने की लंका खत्म कर दिया। 1 लाख लड़के, 1.25 लाख नाते सब खत्म हो गए और उसको राक्षस कहा गया। इसलिए आने समझ लो कि बुद्धि खराब होने वाली चीज तो खाना ही नहीं चाहिए। देखो इतना पूजा पाठ हो रहा है, इतना लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, इतना यज्ञ हो रहा है, इतना जप हो रहा है, लेकिन न समय पर जाड़ा, न समय पर गर्मी, न समय पर बरसात हो रही, देवता खुश नहीं हो पा रहे। कारण क्या है? कारण यही है कि गंदी जगह से यानी पूजा उपासना होती है, कबूल नहीं होती। मिट्टी पत्थर लकड़ी का मंदिर बनाते हो और वहाँ पर ले जा करके मोटा मांस डाल दो, टट्टी पेशाब डाल दो, तो कोई पूजा करता है? खतरे जगह गंदी हो गई, यहाँ पूजा पाठ करेंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे। तो आप बताओ, इस गंदे स्थान से यानी पूजा पाठ करोगे तो खुश होगा? उसने सच्ची पूजा, सच्ची उपासना जब होगी और सच्चे दिल से होगी और पाप साफ हृदय से होगा तो मालिक खुश होगा, और खुश होगा तो सबको दे देगा। क्योंकि दुनिया किसने बनाया? मालिक ने ही बनाया। दुनिया बनाने वाला जब खुश हो जाता है सबको दे देता है। तो इसको पाप साफ रखो। और देखो कहा गया कम खाओ, कम खाओगे तो रोग नहीं होगा, और अगर ज़्यादा खा लिया तो दर्द उठा पेट में तो डॉक्टर के पास जाओगे तो तुरंत ऑपरेशन करेगा, क्योंकि ऑपरेशन में ही पैसा मिलता है। और यह भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार ऑपरेशन करा लिया तो दोबारा फिर ना कराना पड़े, दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, दे ऑपरेशन, दे ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया तो बोला डॉक्टर साहब आपकी बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, बटन लगा देना, बटन या तो चैन लगा देना। दोबारा जब आऊँ तो बटन खोल के ऑपरेशन कर दो, सिलाई मत करो, नहीं तो पक जाता है, पट्टी करानी पड़ती है, परेशानी होती है। तो एक बार ऑपरेशन हो गया तो कोई गारंटी नहीं कि ठीक हो जाओगे। फिर कराओ तो समझ लो शरीर जहाँ एक बार कटा, जहाँ छुरी काटा एक बार इसको लगा, तहाँ ये समझ लो है कि शरीर का विकास वहीं रुक जाता है। अब आप ये समझो ये बच्चियाँ लड़कियाँ शादी हो गई और पेट में बच्चा आया, बस जैसे मासिक धर्म को पास टेस्ट पर टेस्ट बहुत नुकसान करता है। बिजली से ही सारे टेस्ट होते हैं और वो किरणें जो पड़ती हैं लोथड़े के ऊपर, यानी वो समझो कि ग्रोथ को ख़त्म कर देती, विकास को ख़त्म कर देती। और आखिर में डॉक्टर को यही कहना पड़ता है ताकि अब आसन करा दो, अब इसको निकलवा दो। तो यानी समझ लो कि अति से बचना चाहिए। तो अब आप समझो कम खाओ तो रोग नहीं होगा, आराम से हजम हो जाएगा। संयम नियम का पालन करो। संयम नियम जब से खत्म हुआ तब से परेशानी आ गई। आप ये समझो कि गम खाओ का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त कर लो। दो बार बर्दाश्त कर लोगे हाँ तो समझ लो कि लड़ाई झगड़ा से छुटकारा मिल जाए। कोई दो बार कहते ही है सुन लो, छोटे बन जाओगे तो कहीं घिस नहीं जाओगे। बातों के छोटे बन जाओ तो शरीर नहीं छोटा हो जाएगा, यानी समझ लो और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। कहा और कोई आग हो तो आप हो पानी, यानी किसी को क्रोधावत जब आप सुनते रहो तो सुनने वाले लोग ही कहते हैं कि भाई देखो इनमें कितनी बड़प्पन है और इतनी बात बर्दाश्त कर लिए। और अगर कहीं बर्दाश्त से बाहर हो गया, बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर मुकदमा कायम हो गया, हाँ तो दौड़ते रहो इधर उधर, कितने रोटियाँ गिर जाएंगे, कितना फीस देना पड़ेगा, रुपया देना, खर्च करना पड़ेगा। वकील के पास जा करके कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त करना। एक को क्रोध आवे तो दूसरा चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा आवे पति चुप हो जाए, और पत्नी को गुस्सा आवे पत्नी चुप हो जाए तो झगड़ा होगा कभी नहीं। और तो डाल हम बात अब तो झगड़ा तो होने होना है। अब अगर अरे एक चुप हो गया तो दूसरा क्रोध की अग्नि जैसे शांत होगी तैसे पछताएगा है कि ये तो हमको कोई बोले भी नहीं और देखो हम इतनी बात इनको कह रहे हैं। अरे समझ लो अपनी अने गलती पर पश्चाताप होता है, लेकिन गलती क्रोध में कर डालता है आदमी। अब आप ये समझ लो कि अगर बर्दाश्त न हो तो आज वो भी तरीका बताऊँगा। बात अगर न बर्दाश्त तो सुनो ही नहीं तो कहोगे भाई घर में ही रहना है, तो घर में रहना है तो कैसे नहीं सुने। अरे कान में उंगली लगाओ और आँख बंद करो, न देखो न सुनो, भजन पर बैठ जाओ। तो भजन करने का तरीका आज बताऊंगा कि जैसे अनु वो अनु घर का लड़ाई झगड़ा संकट अनु समझ लो कि टाला जा सकता है। तो ये जो लोगों मोटी मोटी बात आपको बताया लोक बनाने का, अब परलोक बनाने का बताऊंगा आपको तरीका। देखो लोक बनाना किसको कहते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलना, अच्छे मकान में रहना, प्रतिष्ठा वाली जगह, मान सम्मान आने वाली जगह आने जिनकी रहती है और जिनके पत्नी प्रतिबद्धता रहती है वो तो आज्ञाकारी रहता है, कहते हैं इनका लोक बना हुआ है। लोक बनाना इसको कहते हैं। लोग बनाना किसको कहते हैं, जहाँ पर आप रहते हुए मृत लोग हैं, इसके ऊपर भी सूर्य लोग, चंद्र लोग, स्वर्ग लोग, वैकुंठ लोग, ब्रह्म लोग, पार ब्रह्म लोग, काल लोग, महाकाल लोग, सतलोक, अलख लोग, अगम लोग, अनामी लोग, बहुत से लोग हैं। तो इस शरीर के रहते रहते उन लोगों में भी आना जाना शुरू हो जाए, वो रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर से गया, इन दोनों आँखों के बीच से गया हुआ है। कहा ना कभी सामने आँखी मध्य पाखी चमके और पाखी मध्य भरा और तेज वाले दूध भी लगाओ उतरे भर। उन्होंने भी यही कहा, जितने भी अन्य संत आए, जानकार आए, सब लोगों ने यही कहा कि इसी मनुष्य शरीर में वो मालिक मिलता है। मनुष्य शरीर में ही यानी उसका दर्शन होता है। शरीर छूटने के बाद यानी आज तक न किसी को वो मालूम मिला और ना मिलेगा। और जब देखा उन्होंने अंतर में जब दर्शन किया, देखा तो लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ तेरा साई तुझ में जान सकश हो जाए। वकील ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैं खाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रंदो से पूछो दिल क्या है, दिल के आशियाने में ही है। लेकिन फिर उसने कहा कि दिल के आशियाने में तो दिखाई तो नहीं पड़ता। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर फिर इतनी हविश और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाएं। तो कहा कि दिल का हुजरा साफ कर, वही जो हुजरा गंदा हो गया, उसके बैठने का सिंहासन जो गंदा हो गया, जगह गंदी हो गई, उसको साफ रखो। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए और ख्याल गैरों का हटाओ उसको बिठाने के लिए। थोड़े देर के लिए दुनिया की तरफ से ख्याल को हटाओ और उस मालिक की तरफ लगाओ, तो मालिक मिल जाएगा। गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा कि उगरा ही विमल विलोचन ही के मित्र रोष दुख भव रजनी के सो जय राम चरित मणि मालिक गुप्त प्रकट ज्ञान जो देख। अंतर में जो मानस था, मानस में जो राम का चरित हो रहा है वो तब दिखाई पड़ेगा जब दिव्य दृष्टि खुलेगी। तो दिव्य दृष्टि क्या है? इन्हें दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। जिस आंख को अर्जुन का कृष्ण ने खोला था जब महाभारत शुरू होने को हुआ, तो उन्होंने कहा कि चलो उठाओ गांडू धनुष और मैदान में चलो। अर्जुन बोले यहाँ पर सब मेरे काका चाचा, आप जो है इनका अनुष्ठान करो, ये करो वो करो, तमाम तरह से लोग करते हैं और वो एक अलग मत तैयार हो जाता है। उनके बजाय कार्यों का अनुकरण करने के यानी वो रूपरेखा ही बदल देते हैं। तो अब आप ये समझो कि कृष्ण ने अर्जुन को बैठाया और कहा आँख बंद करो। आँख बंद किया और कहा ध्यान लगाओ, तो ध्यान लगाया और ठोका तीसरे आँख के सामने जो कर्म अन्य समझ लो कि जमा थे अन्य उसको उन्होंने हटाया। कर्म जान अनजान में बन जाते हैं, कुछ पिछले जन्म के भी रहते हैं, तो वो कर्म सब इकट्ठा हो जाते हैं, जमा होते हैं चतुसंता कर्म पर। चतुसंताकरण पर जब जमा हो जाते हैं तो रास्ता बंद हो जाता है ऊपरी लोगों पर देखने का। वो कर्म जब हटते हैं तब ऊपरी लोगों का नज़ारा दिखाई पड़ता है। तो उसको उन्होंने अपने पावर के द्वारा, शक्ति के द्वारा अन्य समय लोग के हटा दिया है। और जब हटा तो उन्होंने देखा कि अर्जुन ने देखा कि सब के सब मरे पड़े थे, बस हमको तो निमित्त बनना है। और धनुष उठाया और बाण एक तरफ से छोड़ते चले गए, बड़े बड़े जो दादारसाई हो गए, दिखाई पड़े खत्म हो गए, दादारसाई हो गए। जब महाभारत खत्म हो गया तो भीम ने कहा मैंने मारा, नकुल ने कहा मैंने मारा, सहदेव ने कहा मैंने मारा, तो कृष्ण ने कहा मारा। कृष्ण ने तो पूरा महाभारत जो देखा वो बताएगा। तो बबरीक ने पूरा महाभारत देखा था, उसने वरदान मांगा था कि आने समझ लो कि मेरे प्राण कब निकले जब आने समझ लो कि महाभारत मेरा संकल्प पूरा हो जाए। तो कृष्ण ने उसका सिर दान में मांग लिया था। अब कथा तो लंबी हो जाएगी, समय नहीं है, लेकिन सिर दान में मांग लिया था, तो सिर कटवा काट करके वहाँ रखवा दिया पहाड़ से। तो वहीं से पूरा पहाड़ से महाभारत देखता रहा। तो उसके पास ले गए, बोले वो बताएगा कृष्ण ने मारा, कृष्ण ने गिराया, कृष्ण ने क्या किया। ले गए तो कहा आप ये बताओ कि तुमने महाभारत देखा? बोला हर पल हर क्षण देखा। क्या देखा? तो कहा देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा है और बड़े बड़े जो राम का सिर काटता चला जा रहा है। तो कृष्ण ने कहा और ये भी ये जो कर रहे मैंने मारा, मैंने गिराया। उसने कहा सब ये मुँह फैलाए खड़े हुए थे, किसी का हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था, वो तो आने समय जो चक्र सुदर्शन काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो है, उसने कहा महाराज हमारा समय पूरा हो हमारा काम हो गया, आप अपना वरदान वापस ले लो, अब मैं जाना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने कहा मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा भी काम हो गया, अब धर्म की स्थापना हो गई तो अपना खत्म हो जाएगा, कलयुग आ जाएगा, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। पांडव ने कहा महाराज मुझको भी लेते चलिए। बोले मैं तुमको नहीं ले जा सकता, तुमको कृष्ण एकादशी की जरूरत है, संत सदगुरु की जरूरत है, उनसे रास्ता लेकर के तुमको योग साधना करनी पड़ेगी, तब तुम जा सकते हो। बहुत प्रार्थना किया, कहा महाराज अब बुढ़ापे में कहाँ योग हो पाएगा और कहाँ सदगुरु की खोज हो पाएगी। मैं तो इसी आशा में लगा रहा कि आप जब चलेंगे हमको लेते चलेंगे, लेते चलिए। लेकिन उन्होंने कहा कि औपचारिक शक्तियों का काम अलग होता है, धर्म स्थापना का काम होता है, सदगुरु का काम जीवों को रास्ता बताकर रास्ते पर चलाने के पार करने का काम होता है, इसलिए उनकी खोज तो उनको करनी ही पड़ेगी। तो वो जो दिग्गज थी यानी उन्होंने कृष्ण ने उनकी खोला और खोल करके यानी समझ लो कि यानी जो महाभारत पहले ही दिखाया अर्जुन को वही दिग्गज आपके पास भी है, लेकिन जो जान में और अनजान में यानी कर्म बन गए उसका पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा भी अगर हट जाए तो आप भी सबको देख सकते हो। तो वो रास्ता यानी दिव्य दृष्टि खोलने का और उस रास्ते से चलने का और निर्गा जाने का और सर्वपुण का न लेने का हमारे गुरु महाराज बताते थे, जो जिनकी तस्वीर लगी हुई। ये गुरु महाराज नहीं, ये उनकी तस्वीर है। महापुरुष जब रहते हैं तब तो जल्दी लोग कीमत नहीं समझते, चले जाते हैं तो मूर्ति बनाते हैं। जब आए समय लोग कैमरा चला तो फोटो खींच करके लगाने लग गए। आप लोगों की सोच यही बन गई कि फूल पत्ती प्रसाद अगर मूर्ति पर चढ़ा देंगे तो हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, हमको अन्य हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आता है कि इस तरह से उद्धार होगा। तो गुरु महाराज ने हमारे बहुत से लोगों को रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और मंदिर तक पहुँचा भी दिया। अब वो वापस इस दुख के संसार में दुख लेने के लिए आने वाले नहीं हैं। जब गुरु महाराज के जाने का कुछ समय रह गया तो उन्होंने मेरे लिए आने हुक्म दिया कि अब ये रास्ता बताएंगे लोगों को, पुरानों के संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। तो नामदान आने सब जगह देता हूँ, क्यों दे देता हूँ, चाहे कम लोग रहें चाहे ज़्यादा। आपके यहाँ तो देखो यहाँ इतनी ही जगह में सत्संग हो रहा है, इतने ही लोग हो, और इंडिया में तो लाखों लाख की भीड़ होती है, कई कई लाख की भीड़। अभी तो पिछले साल 1 लाख लोगों ने हमारे आश्रम पर उज्जैन में शाकाहारी रहने का आयु समझ लो कि संकल्प बनाया, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो अब इस तरह से समझ लो कि बहुत भीड़ होती है। तो नामदान तो मैं देता ही देता हूँ। क्यों दे देता हूँ? क्योंकि इस समय तो किसी की ज़िंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं। आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक घर में वापस आ जाए। तो समय अगर पूरा हो गया और दुनिया संसार से चला गया तो उसी तरह से चला जाएगा कि जैसे पशु और पक्षी खाते और बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं, हर लोग भी चले जाएंगे। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। आप कुछ लोग इस तरह के हो कि जो पहली बार आने समझ लो कि इस तरह का सत्संग सुन रहे हो तो आप इसको पूरा समझ नहीं पाओगे। लेकिन आज अगर नहीं समझ पाए और कल किसी ने समझा दिया, नामदान आपको दे दिया गया और कल किसी ने आपको समझाया, इसकी अहमियत को बताया, इसका फायदा लाभ अगर आपको यानी किसी ने देने की गारंटी ले ली तो आप इसको करने लगोगे। और नामदान अगर नहीं दिया गया तो कल इच्छा भी प्रकट हुई तो नामदान देने वाले तो दूर चले गए, ना आप वहाँ पहुँच सकते न वहाँ से देने वाले इतना जल्दी आ सकते हैं। और मान लो किसी का समय बीच में ही पूरा हो गया तो समझ लो कि अधूरा जीवन रह जाएगा, लौट करके फिर इसी मृत्युलोक में आना पड़ेगा। इसलिए सबको नामदान दे देता हूँ। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, यहाँ कोई पढ़े लिखे का, कोई जात पात का, कोई देश विदेश का कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि इन चीज़ों को तो आदमी बनाता है। आपने बनाया जात पात, आपने देश विदेश बनाया, आपने ये जो यहाँ की व्यवस्था है इसको तो आदमी ने बनाया, लेकिन भगवान ने तो आदमी बनाया, अरे समझ लो इंसान बनाया, आपने तो इन चीज़ों को बनाया। यही कारण है कि देखो हड्डी सबकी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, और समझ लो कि ये समझ लो कि शरीर की बनावट और ये खाल सबकी एक जैसी है। तो हम तो जीवात्माओं को देखते हैं, जीवात्मा सबकी एक जैसी है, जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है, जीवात्मा सबकी उसी आकार की है और सबकी परमात्मा के अंश है। तो परमात्मा को मानता हूँ, जानता हूँ, इसलिए आपसे भी प्रेम करता हूँ। तो प्रेम में इसके लिए कोई कार्य नहीं करता है, तो प्रेम बस यानी आपको नामदान दिया जाएगा, यानी समझ लो कि आपको अनमोल चीज़ बताई जाएगी। जो रुपया पैसा धन डॉलर से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है वो आपको बताया जाएगा, वो नाम आपको बताया जाएगा, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम अधारा और सुनो सुनो न उतरन पारा। नाम ले तो बहुत सुंदर सुखाही, सुजन विचार करो, नाम लेके ही बहुत सागर रूप है, वो नाम आपको बताया जाएगा। अब देखो नाम दो तरह का होता है, एक होता है वर्णात्मक नाम और दूसरा होता है ध्वन्यात्मक नाम। तो वर्णात्मक नाम किसको कहते हैं? जो मुंह से लिया जाता है, लेखन पढ़न और कहन में आया उसको वर्णात्मक आया। जब जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं। जैसे राम आए थे तो राम नाम में शक्ति उन्होंने भरा। आपको याद होगा श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जब जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे। जब कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी, कृष्ण 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 जहाँ पर पुकारा कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले द्रौपदी को, ग्राह को, तमाम लोगों को हुआ। ऐसे ही त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था, सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम से उद्धार होता था। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगा लिया। गुरु के पहले जय लगाया, जा माने जयमान और या माने जो, जयमान माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते। गुरु के बगैर एक कदम कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, पैदा होते ही गुरु की जरूरत पड़ती है। हम माता पिता क्या है? ये गुरु का ही काम करते हैं। उठना बैठना और खाना पीना, टट्टी पेशाब करना, ये सब कौन सिखाता? माता पिता और गृहस्थ में, गृहस्थी में जो लोग रहते हैं वो सिखाते हैं। काका गागा आने जो पढ़ाते, ए बी सी डी जो पढ़ाते, जो कंठी बांध देते, कान फूक देते, इनको सब गुरु बताया गया। लेकिन कहा गया सतवां गुरु सत शब्द लिखा हुआ। अब जहाँ का जो तहाँ पहुँचा हुआ शब्द भेदी। जब गुरु मिलते हैं तो ये जीवात्मा अपने वतन, अपने घर मालिक के पास पहुंच जाती है, जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। तो जय इसलिए लगाया कि हमेशा गुरु रहे, और देव माने देने वाला। जो सच्चा गुरु, समर्थ गुरु, वो देते ही हैं, लेते कुछ नहीं। तो ये जय गुरुदेव नाम जब हमारे गुरु महाराज ने जगाया और बताया कि भगवान का, परमात्मा का नाम है, तो जल्दी किसी को विश्वास न हो। तो बोले परीक्षा ले लो। परीक्षा लिया लोगों ने, इम्तहान लिया, जा रहे हैं, मधुमक्खियाँ छेकने लगी। तो मधुमक्खियाँ जब छेकने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो छुड़ाने वाले को ही लग जाती है, कोई विकल्प नहीं। जब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा चली और मधुमक्खियों को लगी और मधुमक्खियाँ छोड़ करके चली। पानी में नहाने के जगह डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जा करके किनारे लगा दिया। मौत के समय जब पीड़ा हुई, दर्द हुआ, तो प्रेमी ने कान में 10 बार जय गुरुदेव बोल दिया। आप खोल दिया, जो रो रहा था, चिल्ला रहा था, मरने वाला बोला अब आराम से जा रहा हूँ। वो जल्लाद सब हट गए जो मार कूट रहे थे। तो खूब परीक्षा लिया, आपके भी मन में अगर किसी का शंका उठे तो एक बार परीक्षा ले लेना। आप इस बात का प्रचार भी कर दो कि कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरु नाम बोल करके मदद ले सकता है। तो देखो आपको पता आगे का समय बहुत खराब आ रहा है। अभी आप अगर समाचार सुनते देखते हो गए तो आपने देखा अमेरिका में तूफान आया और अभी आपके उधर हांगकांग और चाइना में तो तूफान चल ही रहा है और तमाम लोग आई बेघर हो गए, तमाम लोगों की जान चली गई। तो ये सब क्या है? ये सब एक प्राकृतिक आपदा है, कुदरती कहर। जब कुदरत के नियम का लोग उल्लंघन करने लगते हैं, प्राकृतिक आदि प्रकृति के नियम का उल्लंघन करने लगते हैं, तब वो इस तरह की सजा देती है कुदरत। तो कुदरत सजा आगे देगी, उसमें बचने और बचाने की जरूरत रहेगी। तो इस बात का आप प्रचार कर दो और लोगों को रटा दो कि मुसीबत जब आवे तो जय गुरु नाम बोलेंगे। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कोट कोट मन जतन कराही कौन राम कयावत में, आखिर में मुँह से नाम निकलता नहीं। अगर निकल जाए नाम तो समझ लो कि नामी मददगार हो जाए, क्योंकि जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो तार के द्वारा उस मालिक से जोड़ देते हैं और जब आवाज़ लगती है तो मालिक सुनता है और मदद कर देता है। तो जय गुरु नाम को आप लोगों को रटा दीजिए, जय गुरु नाम के ध्वनि बोलिए और बोलवाइए। जब रात को शाम को खाना बना लो और खाने का समय आवे तो लोगों को इकट्ठा करो, घर में जो भी लोग हों, उस समय बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी हों, और इकट्ठा करके आधा घंटा 15 मिनट कम से कम 10 मिनट जय गुरु नाम के ध्वनि बोलो और बोलवाओ और उसके बाद में भोजन परोसना और खाना शुरू करो। रात को सोने के लिए जब जाओ तो जय गुरु नाम बोलते 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 सो जाओ। आप खुद भी करो और लोगों को भी बताओ और उसके बाद देखो कितना लाभ फायदा दिखाई पड़ता है। तो यह तो है आपका वर्णात्मक नाम और दूसरा है ध्वनियात्मक नाम, जिससे ये सारा संसार बना, अंडपिंड ब्रह्मांड बना, देवी और देवता बने, जिसके खत्म होने से यानी शब्द के यानी खत्म होने से सब खत्म हो जाता है। वो शब्द वेदी नाम आपको बताऊंगा, वो नाम बताऊंगा जो मेरा ने कहा पाने के बाद कि पायो रे मने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक भी मेरे सदगुर कृपा कर अपनायो, वो नाम बताऊंगा। अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज जैसे आप